हेलो, वेलकम बैक टू एपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए न्यू रेफिडेंस प्लॉट प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का जो हमारा फ्रंट रहेगा वो 24 फीट चेंज का रहेगा, जो उसकी डेप्थ रहेगी वो हमारी 36 फीट 8 इंच की रहेगी। अब गाइज, मैं आपको थोड़ी इसकी रिक्वायरमेंट बता दूँ। इसमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी, एक इसमें हमारा पॉर्च रहेगा और एक इसमें हमारा ये ड्राई रूम रहेगा और एक इसमें हमारी ये लॉबी रहेगी। इससे टच हमारा ये ओपन एरिया जाल रहेगा, इससे टच हमारा बाथ का रहेगा और एक टॉयलेट रहेगी और एक हमारे किचन का जो रहेगा वो गाइस हमारा इसका यहाँ पर रहेगा और इसमें हमारा बेडरूम यहाँ पर रहेगा, एक बेडरूम हमारा ये रहेगा और एक ये पूजा का टच, पूजा ओपन रहेगा, ओपन से पे हमारा ये पूजा का रहेगा। अब गाइस मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल बता दूँ, इसकी डिटेल हमारी क्या क्या रहेगी। मेन एंट्री गेट जो गाइस रहेगा वो हमारा इसका यहाँ से रहेगा और जो हमारा पॉर्च है, पॉर्च का जो साइड रहेगा इसकी लंबाई 9 फीट की रहेगी और चौड़ाई इसकी 13 फीट 9 इंच की रहेगी। और जो हमारा ड्राई रूम है, ड्राई रूम की जो हमारी लंबाई रहेगी गाइस वो हमारी इसकी 13 फीट की रहेगी, 13 फीट 7 इंच की और चौड़ाई इसकी 10 फीट की रहेगी। और इस लॉबी की लंबाई हमारी गाइस 8 फीट 3 इंच की और चौड़ाई इसकी 8 फीट 9 इंच की रहेगी। और इस किचन की लंबाई हमारी 5 फीट की रहेगी और चौड़ाई इसकी 8 फीट 9 इंच की रहेगी। और इस जाल की लंबाई हमारी 5 फीट की रहेगी और चौड़ाई इसकी 7 फीट 5 इंच की रहेगी। इस टॉयलेट की लंबाई हमारी 3 फीट की रहेगी और चौड़ाई वो इस बात की लंबाई हमारी 4 फीट की रहेगी और चौड़ाई इसकी 4 फीट की रहेगी। और इस बेडरूम की लंबाई हमारी 13 फीट 7 इंच की और चौड़ाई इसकी 10 फीट की रहेगी। इस बेडरूम की लंबाई हमारी 9 फीट की रहेगी और चौड़ाई इसकी 13 फीट की रहेगी। और जो हमारा पूजा है इसकी लंबाई हमारी 3 फीट 6 इंच की रहेगी और चौड़ाई इसकी 4 फीट की रहेगी। अब गाइज मैं इसके वेंटिलेशन और डोर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके वेंटिलेशन हमारे कहाँ कहाँ पर रहेंगे और डोर कहाँ कहाँ पर रहेगा। हमारा जो लॉबी और पॉर्च के बीच में जो डोर रहेगा वो डोर हमारा इसका यहाँ पर रहेगा गाइस, और जो हमारा आपका रहेगा वो हमारा यहाँ पर रहेगा। और ड्राई रूम के जो डोर रहेंगे वो दो डोर रहेंगे, एक लॉबी से रहेगा, एक हमारा इस पॉर्च से रहेगा। एक डोर हमारा गाइस ये रहेगा और एक सेकेंड डोर जो डोर रहेगा वो हमारा इसका यहाँ पर रहेगा। और वेंटिलेशन जो रहेगा वो हमारा इस ओपन से रहेगा और जो उसमें हमारे सोफे रहेंगे वो गाइज हमारे इसके सोफे यहाँ पर रहेंगे और टेबल जो रहेगी वो हमारी यहाँ पर रहेगी। अब गाइज मैं इसके बात की तरफ जा रहा हूँ। इसका जो टॉयलेट का जो डोर रहेगा वो हमारा यहाँ पर रहेगा और इस बात का जो डोर रहेगा वो हमारा यहाँ पर रहेगा। किचन का जो डोर रहेगा वो हमारा यहाँ पर रहेगा गाइज। और इस मेन साइड की ये स्लैब रहेगी और जो हमारा बेडरूम है इसका डोर हमारा गाइस यहाँ पर रहेगा। और इसका वेंटिलेशन जो रहेगा वो इस ओपन से यहाँ से रहेगा। जो हमारा इसका बेड रहेगा वो गाइस हमारा इसका बेड यहाँ पर रहेगा। सेकंड बेडरूम का जो डोर रहेगा वो डोर हमारा इसका यहाँ पर रहेगा। और इस एक सेकेंड डोर जो रहेगा वो इस ओपन से यहाँ से रहेगा और वेंटिलेशन जो रहेगा वो इस ओपन से यहाँ से रहेगा। ये पूजा का हमारा ओपन से ओपन ही रहेगा, ठीक है गाइस। अगर गाइज आपका प्लॉट साइज सेम ये है तो आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अगर गाइज आपका प्लॉट साइज डिफरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंस है गाइज, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर इसी में है। जो भी गाइज आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसे बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर गाइज एपेक्स आर्किटेक्ट।